सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6.29 हमको देखना है और क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है और पावर के कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं. क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ क्रेन इन वॉट्स विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 केजी टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर अगर हमने क्रेन की हेल्प से कोई मास को ऊपर लिफ्ट किया है, ओके, तो वर्क डन बाय द क्रेन इज इक्वल टू फोर्स mg, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा, तो mg फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा उसको, और डिस्प्लेसमेंट h. ओके, दैट इज द वर्क डन. और पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, तो यहाँ पर हमको m का वैल्यू गिवन है, g का वैल्यू हम 9.8 यूज करेंगे, और h का वैल्यू भी गिवन है और t भी गिवन है. ओके, m का वैल्यू कितना गिवन है, 100, जी का वैल्यू हम 9.8 ले लेते हैं. ओके, और एच का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड. तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 4.9 आएगा और पावर का वैल्यू हमारा आएगा 490 वाट. ओके, तो ये जो क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन हमको पावर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है कि पावर क्या चीज़ होती है ना, तो इससे हमको पावर के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं.